हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि अपना सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट अपन ले रहे हैं यहाँ पे। इस जो अपना स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके अंदर जैसे कि हमने बात करी थी ऑर्बिटल, जो पहले हमने कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की बात करी थी, आज अपन बात करेंगे प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय का अपने को पता था कि हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बनता है, अपना कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बनता है। लेकिन आज जो अपन बात करने वाले हैं वो हम प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण की बात करने वाले हैं, और उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिन, यानी कि प्रचक्रण का मीनिंग क्या है। तो प्रचक्रण के मीनिंग का सीन ये होता है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो साथ साथ में अपने ही एक्सिस पे घूम रही होती है, अपने एक्सिस पर भी क्या कर रही होती है, वो घूम रही होती है। किस तरीके से, हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जस्ट ये सपोज करिए कि ये अपना क्या है, ऐसे मान लो इसको, ये क्या है अपना सन है, ये जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या कर रही है, राउंड लगा रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो पृथ्वी है ये खुद अपनी जगह पे भी क्या कर रही होती है, साथ साथ में क्या होती रहती है, मूव करती रहती है, चक्कर लगाती रहती, मतलब घूर्णन करती रहती है, आप इसको घूर्णन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का सीन होता है कि ये नाभिक के चारों तरफ अगर राउंड कर रहा है, तो ये अपने एक्सिस पर भी क्या कर रहा होएगा, घूर्णन कर रहा होएगा, घूम रहा होएगा, रोटेट कर रहा होएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परित, अपने एक्सिस के परित ही क्या, मतलब चारों तरफ वहीं घूम रहा हो, घूर्णन करता है, तो उसे क्या बोल सकते हैं अपन, इस गति को, उसकी इस गति को हम क्या बोलते हैं, प्रचक्रण स्पिन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रचक्रण या स्पिन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे ही घूर्णन करना क्या कहलाता है, प्रचक्रण कहलाता है, स्पिन कहलाता है, ठीक है। 1926 में जो ओहलेनबेक थे और जो गाउड स्मिथ थे, उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने ये बताया कि जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ऑन इंट्रेंसिंग एंगुलर मोमेंटम, दिस इज नॉन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दैट मीन्स कि अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इन्होंने ये बोला कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो नेज कोणीय संवेग है आपके पास में वो उपलब्ध होता है, और ये जो इसकी ये जो स्पिन है ये क्या कहलाता है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो है इसका गुण, वो क्या कहलाता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाता है अपने पास में। यानी कि अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नेज कोणीय संवेग क्या होता है, यानी इंट्रेंसिंग और एक्सट्रेंसिंग का क्या मीनिंग होता है। दो चीज़ें होती हैं इंट्रेंसिंग और एक्सट्रेंसिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, कैसे कि ऐसे मानते हैं कि इंट्रेंसिंग का मीनिंग होता है वो उस खुद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की क्या हो, उसकी वो प्रॉपर्टी हो, यानी वो उस पर खुद से ही जनरेट हो रही हो, वो पूरी तरीके से उस खुद के ऊपर ही डिपेंड हो। और एक्सट्रेंसिंग का मीनिंग होता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर का भी उसमें क्या होता है, रोल होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी वहाँ पे कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है और जो कि एक एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, तो इसका अगर मैं बात करता हूँ तो इसका पर्टिकुलर खुद का एक क्या है, मास है, यानी इसका खुद का एक द्रव्यमान है, वो इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेट की, भार की, जो क्या करता है, ग्रेविटेशन फोर्स पर निर्भर करेगा कि जिस हिसाब से इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, द वे ग्रेविटेशन फोर्स इज अप्लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो क्या बताएगा कि उसका भार क्या है, वो उससे लिंक्ड रहेगा। यानी कि जो भार है, जो वेट है, वो डिपेंड करेगा किस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, इसके खुद के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे, तो वो एक्सट्रिंसिक होती है। और जो इसका मास है, जो इसका द्रव्यमान है, वो इसका खुद का है, दैट मीन्स कि वो उसका नेज गुण हो गया, उसकी खुद की वो प्रॉपर्टी होगी, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास में, नेज का मीनिंग। उसी तरीके से कोई भी जो अपना इलेक्ट्रॉन है, उस हर एक इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग का जो ये है, वो एक क्या होता है, उसका खुद का अपना गुण होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसी को अपन प्रचक्रण कोणीय संवेग बोलते हैं, ठीक है। अब प्रचक्रण जो कोणीय संवेग, इसको अपन एस से दर्शाते हैं, इसका सिंबल होता है, सिंबल ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज एस, कैपिटल एस से इसको अपन शो करवाते हैं, किससे शो करवाते हैं, कैपिटल एस से शो करवाते हैं, ठीक है।
जो क्वांटम थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी स्पिन होता है उसके हिसाब से उसका जो कोणीय संवेग है वो कैपिटल एस किसके बराबर होता है, एच क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ एस एंड एस प्लस वन, या एस और एस प्लस वन जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ये होती है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, प्रचक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। और इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और हर एक इलेक्ट्रॉन का जो आपका कोणीय संवेग है वो क्या रहता है, समान रहता है उस एक पर्टिकुलर परमाणु में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे जो एच क्रॉस है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एच अपॉन 2π के इक्वलेंट में वो चीज़ होती है, फाइन, ओके। देन अब हम बात करते हैं, अब इसकी वैल्यू 1/2 है, दैट मीन्स कि अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं एच क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ एस एस प्लस वन में, तब क्या होएगा, 1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो 3/2 आएगा, मल्टीप्लाई में बाहर 1/2 है तो 3/4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर चल रहा है तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में डिवाइड में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में अपने पास में यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे कि हमने इससे पहले वाले के अंदर पढ़ा था जो कि अपना कक्षीय था, उसमें भी बताया था कि एक जेड दिशा के अंदर, एक विशिष्ट जेड दिशा के अंदर उसका क्या होता है, क्वांटीकरण होता है, जिसको अपन दिक् क्वांटीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दिक् क्वांटीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे किसी विशिष्ट दिशा जेड के सापेक्ष जो प्रचक्रण कोणीय संवेग है एस, उसका भी क्या होता है, इसका जो अभिविन्यास है उसमें भी अभिविन्यास ही क्या हो रहा था, क्वांटीकृत हो रहा था, वो भी यहाँ पे क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, ठीक है। क्वांटिकाइजेशन का मीनिंग आपको कल मैंने पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया है, तो अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखिए, ठीक है। इस क्वांटीकरण के दो मान पॉसिबल होते हैं, देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटाइजेशन, कितनी हैं, दो होते हैं, एस जेड इक्वल प्लस माइनस 1/2, यानी एक प्लस का भी ले सकते हो, एक माइनस का भी ले सकते हो, ठीक है। तो जब प्लस का लोगे तो और जो माइनस का लोगे और साथ में एच क्रॉस उसमें आएगा, जैसे कि अपने यहाँ पे, यानी हम स्क्वायर रूट ऑफ एस एस प्लस वाली वैल्यू को प्लस माइनस 1 के 1/2 के हिसाब से यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, प्लस माइनस 1/2 को एम एस से शो कर रहे हैं। तो अगर आप एम एस की बात करते, तो अगर यहाँ पे आपका एम एस पॉजिटिव में 1/2 है, यानी अगर प्लस माइनस 2 आपने 1/2 ले रखे तो एक प्लस लोगे, एक दूसरे को नेगेटिव लोगे। अगर आपके पास में एम एस आप पॉजिटिव 1/2 प्लस का ले रहे हो तब इसको स्पिन अप बोलेंगे, ठीक है। और एम एस अगर आप माइनस 1/2 दे, इसको बोलते हैं स्पिन डाउन, और ये इसके लिए क्या होती है, क्वांटम सन नंबर होता है, ठीक है। और उसको हमने यहाँ पे इस दिक् क्वांटीकरण को हमने यहाँ पे शो कर रखा है, और इसमें यहाँ पे जैसे वैल्यूज हैं 0 से 1/2, एच अपॉन 2π, फिर √3/2, इस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही होती है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। एस की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2π स्क्वायर रूट ऑफ एस एस प्लस 1, स्मॉल एस क्या है यहाँ पे 1/2 है, ओके। अब देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण कोणीय संवेग के कारण भी इसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी जो ये स्पिन अपन पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, इसके कारण इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो जब चुंबकीय आघूर्ण होता है तो उसे प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। इसे म्यू एस से अपन दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, म्यू एस से दर्शाते हैं। ये एक वेक्टर वैल्यू होती है, जिसकी वेक्टर वैल्यू का मीनिंग क्या है, जिसकी दिशा होती है, और अपने पास में दोनों की ही दिशा है, दोनों की, दैट मीन्स कि आपके पास में एस और म्यू एस दोनों की दिशाएं होती हैं। एस तो क्या हो गया, कोणीय संवेग, और प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया आपके पास, म्यू एस हो गया। म्यू एस की जो वैल्यू होती है वो उसका फॉर्मूला होता है माइनस ई अपॉन एम कैपिटल एस, यानी कैपिटल एस का वहाँ पर यूज हो रहा है। इन दोनों की जो दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स, एक दूसरे के विपरीत होती है, वो जो हमने यहाँ पे शो कर रखी है। ये अपना परमाणु है, इस परमाणु के अंदर जो ऊपर के साइड में आपको दिखाया हुआ है वो आपके पास में अपना जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसके बाद चल रही है। म्यू एस वो क्या है, अपना यहाँ पे प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण है, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, जिनकी दिशाएं दोनों अलग अलग हैं। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।